रहा है, जिससे किसान और अधिक लाभान्वित हो रहे हैं तथा इसी अनाज को सरकार गरीबों एवं किसानों को निशुल्क बांट रही है, जिससे किसानों को दोहरा लाभ हो रहा है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अंश बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं तथा हरित क्रांति को आगे बढ़ाया जा रहा है। कृषि में नई किस्मों का विकास किया जा रहा है। जैविक खेती को बढ़ाने पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। जैविक खेती में कम लागत आती है तथा इससे उत्पन्न फसलें भी मानव स्वास्थ्य के लिए हितकर है। मोटे अनाज के उत्पादन पर भी अधिक बल दिया जा रहा है। यह अनाज अत्यधिक पोषण से युक्त होते हैं तथा इनकी बाजारों में अत्यधिक मांग है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर किसानों को विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं सरकार द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराई जा रही है तथा कृषकों के डिजिटल डाटाबेस हेतु एग्रीस्टैक योजना भी प्रस्तावित है। कृषकों की आय में वृद्धि होती कृषि शिक्षा शोध एवं अनुसंधान के साथ साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। कृषि विद्यालयों में आधारभूत संरचना को विकसित किए जाने हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषकों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। सामाजिक वानिकी योजना एवं पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति एवं किसानों की दशा सुधारने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। आशा करती हूँ यदि हमारी सरकार ऐसे ही किसानों के हित में कार्य करती रही तो किसानों का जीवन स्तर सुधर जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी यही सपना देख रहे हैं कि देश के किसान मजदूर एवं गांव का लगातार खुशहाल एवं समृद्ध हो सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले लोगों की सरकार, जब पूर्ववर्ती सरकारों में किसान खाद लेने जाया करते थे तो लाठियों की मार खाया करते थे। खाद बीज उन्हें समय से नहीं मिलती थी, जिनके कारण उनको बहुत दिक्कत होता था। उनको बिजली समय पर नहीं मिलता था, जिससे रात रात में जग करके वो अपना सिंचाई किया करते थे। और क्रय केंद्र आज पहले क्या थे और आज लगातार क्रय केंद्रों की बढ़ोतरी हुई है और किसानों का अनाज अधिक से अधिक खरीदा जा रहा है और किसान आज बहुत खुशी का वो महसूस कर रहे हैं। आज व्यावसायिक खेती की बात है, अभी हमारे विपक्ष के महोदय व्यावसायिक खेती की बात कर रहे थे कि व्यावसायिक खेती की जाए। आज हमारी सरकार द्वारा व्यावसायिक खेती की जा रही है। आज आईआईटी किए हुए बच्चे भी गांवों में आकर के किसानों की जमीनों को लीज पर ले लेके और व्यावसायिक खेती कर रहे हैं और प्रत्येक महीने बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। वो जो अच्छी सर्विस करते उससे भी ज़्यादा किसानी करके वो पा रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ हमारे दुग्ध उत्पादन में आज किसान बहुत आगे बढ़ा है। हमारी महिलाएं आज स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, मैं झांसी में गई थी, वहाँ एक बलिनी है, बलिनी संस्था, जिसका आज सात सात आठ आठ करोड़ का टर्नओवर है। मत्स्य उत्पादन में भी हमारा बहुत आगे बढ़ा है। फल सब्जियों का भी उत्पादन हमारे किसान नई नई कर रहे हैं और हमारी सरकार लगातार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में, हमारे कृषि मंत्री ने के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। मैं कुछ ही समय पहले बस्ती गई थी, कृषि अनुसंधान केंद्र में मैं गई थी, वहाँ तमाम किस्मों के आम और पौधे वहाँ उपजाए जा रहे हैं और किसानों को एक और दो रुपये में मुहैया कराए जा रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ जो जो पौधे जो हम लोग सोचा नहीं करते थे, देखा नहीं करते थे कि ये भी फल होते हैं, जैसे ताइवानी अमरूद हुआ, ड्रैगन के फल हुए, ये सारे पौधे हमारे किसान आज लगा रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा उनको लाभ हो रहा है। लगातार सरकार की जो सोच थी किसानों को मजबूत करना, ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है और सरकार हमेशा हमारे किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि विष मुक्त सब्जी लगाने के लिए और फल लगाने के लिए
लगातार हमारी सरकार के तरफ से चौपाल लगा के हमारे किसानों को जन जागरण अभियान भी किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि पहले कैसे अपने घरों में लोग आम अमरूद केले ये पौधे स्वयं लगाया करते थे, और आप लोग भी लगाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, और खेती के माध्यम से जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को लगातार बल दिया जा रहा है। हमारे कृषि मंत्री लगातार, मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जा करके, और लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की जो भी हमारी नियम है कृषि के लिए, वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और सारी नीतियों को जो कि किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और मैं इस कृषि बजट के समर्थन में बोल रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद श्री समर पाल। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया कृषि पर, बजट पर से बोलिए। मैं आपको समर पाल जी 6 से 7 मिनट में अपनी बात खत्म करें। किसान प्रधान देश है हमारा, और किसानों की जो आज दुर्गति है इससे पहले कभी नहीं हुई। गन्ना इतना खराब है, गन्ने में इतना रोग लग गया, सब लोग बैठे हैं, अधिकतर गन्ने व्यापारी हैं, गेहूं के किसान लोग हैं, गन्ने में इतना रोग लगा के गन्ना दूसरी या तो बीज दिलवाइए सरकार, ये जो अब मौजूदा है ये गन्ने का बीज नहीं हो पाएगा। और अभी फसल गेहूं की भी बहुत कमजोर है, कृषि मंत्री जी बैठे हैं, ठंड बहुत कम हुई है, रबी की सारी फसलें ठंड के बिना होती नहीं है। अब क्या मुझे लगता है जीरे की तरह गेहूं ना हो जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान को तहसील से कृषि विभाग के बीच फंसा कर रख दिया, कभी वह कृषि विभाग की तरफ दौड़ता है तो कभी राजस्व विभाग की ओर। इस योजना का क्रियान्वयन एक विभाग ही द्वारा किया जाए, या कोई ऐसी व्यवस्था किया जाए जो कृषि को दो विभागों की ओर, दो कृषक को दो विभागों की ओर ना दौड़ना पड़े। किसानों का रजिस्ट्रेशन 2019 का है, परंतु आज तक उन लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला। उनके स्टेटस पर लिखा आता है कि कलेक्शन पेंडिंग है, भुगतान के आधार के अनुसार प्रदर्शित होने के बाद 2 साल से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार जिन किसानों के 2 पंजीकरण हैं या जिन लोगों के आधार के अनुसार नाम गलत है, वे सभी लोग इस योजना में लाभ से वंचित हैं। ना तो अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं, ना ही उनके आधार में सुधार हो सकता है। वो अनपढ़ आदमी है बेचारे, आधार में सुधार भी हो नहीं सकता। कृपया इस समस्या का कृषि मंत्री समाधान कराने का कष्ट करें। पूरे प्रदेश में सभी के सामने ये समस्या आ रही है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस समस्या को लेकर रोज विचार होना पड़ता है हम लोगों को। प्रदेश में कृषि कल्याण केंद्रों की स्थापना सरकार द्वारा कराई जा रही है, जिसमें लगभग 650 मीटर स्क्वायर भूमि की आवश्यकता होती है। इस योजना में भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जिस कारण दूर दराज केंद्र बना दिए जाते हैं, जो किसान वहाँ अपने केंद्रों पर नहीं पहुँच पाता। ऐसी फ्री की जमीन जा रास्ता नहीं, कोई वो नहीं। ऐसा मुरादाबाद में भी केंद्र बना है, आज तक एक अधिकारी भी वहाँ नहीं जाता, एक बाबू बाबू बैठा रहता। इतना ऊबड़ खाबड़ गलियों में वो जमीन पड़ी थी एक बेकारी सी, उसमें बना दिया, कोई नहीं जाता वहाँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो जमीनों का किराया किराया जाए वो केंद्र किसान की सुविधा के अनुसार बनाया जाए, इसलिए वहाँ पर किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था हो, पेयजल व्यवस्था की जाए। इस कार्य हेतु सभी कृषक कल्याण केंद्र पर एक संविदा कर्मी कामदार के रूप में नियुक्त किया जाए। सरकार द्वारा देसी गायें पालने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसको प्राकृतिक खेती या गो आधारित खेती के रूप में प्रचलित किया जा रहा है। मैं देसी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में व्यवस्था, जिससे किसान अपने इस अभियान में तेजी से जुड़े। प्राय गांव में छुट्टा जानवरों की बड़ी समस्या है, एक बहुत ही ज्यादा समस्या है, जिसको 2-4 बीघे जमीन होती है, बेचारा मामूली किसान होता है, वो तो मरने के कगार पर जब सुबह के खेत में जाता है तो कई बोई हुई गेहूं का जड़ से जड़ मिला देते हैं, जब 20-25 छुट्टा जानवर वहां बढ़ जाते हैं तो। इनकी फसल की उचित व्यवस्था की जाए, रात्रि को पहरा दो, दिन में काम करो,
ये किसान का दोहरा काम आप ले रहे हैं। खेतों की तारबंदी के लिए उचित व्यवस्था करें, ये सरकार का काम है कि किसानों की फसल का उचित व्यवस्था करें कि उनकी फसल नष्ट ना हो, और नष्ट हो जाए तो उनका इंश्योरेंस के रूप में लाभ मिले। एक कंपनी, पता नहीं कौन सी कंपनी है, उसको अरबों करोड़ों रुपए का फायदा हो जाता है, किसान को इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं मिलता। एक तो अनपढ़ है, जगह जगह भागता रहता है, उसको ये भी नहीं पता तेरी फसल का इंश्योरेंस प्रधानमंत्री योजना से कराया गया। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसानों को उनके पंजीकरण के माध्यम से दिया जाता है, परंतु कई माह से नया पंजीकरण, कई वर्ष से नया पंजीकरण कराने की व्यवस्था कृषि विभाग की साइट पर बंद है, जिस कारण है किसान उसको विरासत के रूप में मिली भूमि आई अपना पंजीकरण नहीं करा पाते, इस कारण को किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। कृपया इस व्यवस्था को तुरंत शुरू कराया जाए। कृषि विभाग द्वारा बड़े संयंत्रों के साथ साथ छोटे संयंत्रों पर अधिक सब्सिडी दी जाए, और मैं तो यही कहूंगा कि छोटे किसानों को, जो बिचौलियों के थ्रू ट्रैक्टर बांटते हैं आप, संयंत्र बांटते हैं, छोटे किसानों को छोटा ट्रैक्टर फ्री में दिए सरकार, और संयंत्र फ्री में देना चाहिए किसान को। आपको रोटी दे रहा है, आपका देश पाल रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है किसान, इसको तो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। यही आगे में सिंचाई हेतु कृषकों की भूमि पर पाइपलाइन की ज्यादा आवश्यकता होती है। महोदय, आपने अभी नहरें तो खुदवा दी, किसी नहर में एक बूंद पानी नहीं आया नई नहर में, और बता रहे हैं अभी सिंचाई मंत्री जी थे कि नहरों का काम पूरा हो गया है। पानी के बिना नहर का क्या फायदा है? किसानों को इसकी व्यवस्था कराई जाए, और इस योजना के अनुसार 50 का जो काफी कम है, कृपया इस अनुदान की राशि को बढ़ाकर 50 मीटर नलकूप से सीधे खेत तक पानी ले जाने कर सिंचाई कर सके। आपके इस योजना पर 50 मीटर 50 रुपए ही अनुदान है, जो कि काफी कम है, कृपया इस अनुदान की राशि को बढ़ाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सके। आवश्यकता पानी की बर्बादी को रोका जाए। अभी मुरादाबाद में 200 तहसील ऐसी हैं, काट और नगावा, एक हमारे अमरोहा में है, एक मुरादाबाद में, जिन पर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी का कार्यालय ही नहीं है। कृपया इन दोनों को, तहसीलों पर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय तुरंत बनवाया जाए, जिससे कि कृषि कार्यों को बिना रुकावट के पूरा किया जा सके। और महोदय, मैं आपको बताऊंगा, धन्यवाद चमरपाल जी, किसानों को जिंदा रखना है तो उनको अच्छा बीज, बिजली फ्री, खाद पर आदि सब्सिडी देना ही पड़ेगा। किसान अपना बिजनेस नहीं बदल सकता, एक व्यापारी अपना बिजनेस बदल सकता है, अगर जूते की दुकान नहीं करी, नहीं चली तो किताबों की कर ली, किताबों की नहीं करी तो ट्रैक्टर की कर ली, अरे मिठाई की कर ली, किसान नहीं बदल सकता अपना बिजनेस। किसान को तो वही जिंदा रहना, वही मरना है। अगर आप इसको जिंदा रखना चाहते हैं तो इसकी मदद करेंगे ही, इसकी मजबूरी का फायदा सरकार ना उठाए, उसे पता है, आपको भी पता के ये कहीं जा नहीं सकता, वहीं रहेगा खेतों में। आने वाली दो फसलों को किसान खाए होता है, आने वाली दो फसलों को, अपने बच्चों का, अपने अपने ट्रैक्टर का, अपने पशुओं का कोई योगदान लगाता ही नहीं। व्यापारी तो लगा लेता है, एक महीने में कितना घटा कितना बढ़ा। चलिए समरपाल जी, और आपका समय समाप्त, किसान की बात, श्री महेंद्र पाल जी पिपलाई, मैं किसान हिंदू मुस्लिम, कृपया शुरू करें महेंद्र जी अपनी बात, धन्यवाद आपका। अरे कृष्ण नहीं है भाई, आप अपनी बात शुरू करिए, धन्यवाद समर पाल जी, अब धन्यवाद। चलिए महेंद्र जी अपनी बात शुरू करें आप। ये देश किसानों का है, और किसान इस देश की, और इस देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, किसान इस देश का भगवान है। अगर मैं बात करूं तो 23 दिसंबर को हम सब चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ये विपक्ष के लोग
जिस चौधरी चरण सिंह के बारे में, यूं तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को सब लोग मनाते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग जो है चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर अगर जरा भी चलने का ये प्रयास किए होते तो आज विपक्ष में बैठ करके ये झूठी झूठी बातें नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, माननीय राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे, उन्हें चिंता हुई कि हमारा अन्नदाता किसान, जब किसान अपने खेत में बुआई करने के लिए उसे बीज की जरूरत होती है, उसे खाद की जरूरत होती है, तो उस समय अन्नदाता किसान साहूकारों की तरफ जो निगाह करके देखता था, उसे जो कर्ज लेता था, अपनी खेत को गिरवी रख करके अपने खेतों में बुआई करने का कार्य करता था। मैं ये कह सकता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के हितैषी है, किसानों के हित में कार्य करती है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने किसान क्रेडिट कार्ड दे करके किसानों के हित में जो